ओम शांति। बाबा, इस धरा को स्वर्ग बनाने के लिए हमारे सम्मुख अवतरित हुए हैं और उन्होंने अपने इस महान कार्य में सहयोगी बना दिया है हम सभी को। ये हमारा परम सौभाग्य है कि स्वयं भाग्य नियंता ने हमें इस महान कार्य के योग्य समझा। उसने हम पे दृष्टि डाली और हम में अनेक शक्तियां भर दी कि जाओ बच्चे, अवतार बनकर इस जग का कल्याण करो। हमें संसार को संदेश भी देना है, सत्य ज्ञान भी देना है, ये बताना है कि तुम्हारा परम पिता तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें सत्य ज्ञान देने के लिए, तुम्हें पावन करने के लिए आ गया है और वे तुम्हारे लिए स्वर्ग की सौगात लाए हैं। आ जाओ हे देवकुल की आत्माओं, आप सभी आ जाओ। तो हम रोज सवेरे योग युक्त होकर स्वमानधारी बनकर देवकुल की आत्माओं का आह्वान किया करें, क्योंकि हम पूर्वज हैं। हमारे आह्वान पर देवकुल की आत्माओं को प्रभु मिलन के लिए आकर्षण होगा। वो अपना सब कुछ छोड़कर सत्य ज्ञान लेने के लिए तत्पर हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर प्योरिटी के संस्कार हैं और अब उन संस्कारों के उदय होने का समय तेजी से आ गया है, बिल्कुल समय पाता जा रहा है। उन्हें ईश्वरीय ज्ञान की ओर अति अधिक अट्रैक्शन अब होने जा रहा है, हो रहा है। तो हमें जहां ज्ञान देकर दूसरों की सेवा करनी है, वहीं बहुत बड़ी सेवा है वातावरण को पवित्र करने की, प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देने की, आत्माओं को भी पवित्रता का दान देने की। हमें इस प्रकृति को बदलना है और ऐसा समय आने वाला है जब हमें संसार की आत्माओं को सकास देने में ही लग जाना होगा। सकास वही दे सकेंगे जिनके अंदर बेहद का वैराग्य होगा। वैराग्य को बहुत सहज भाव से हम यूं समझ लें, वैराग्य माना व्यर्थ से वैराग्य, वैराग्य माना संसार में आसक्तियों से वैराग्य, वैराग्य माना इस संसार की इच्छाओं से और बहुत कुछ पाने से, मान सम्मान पाने से वैराग्य। हम डिटैच हों और ये वैराग्य उनको ही आ सकता है जिन्हें ये याद रहेगा कि समय अति निकट आ गया है और हमें घर जाना है और सभी को घर ले जाने में बहुत मदद करनी है, दुखों से छुड़ाने में बहुत मदद करनी है, क्योंकि संसार में त्राही त्राही होने जा रही है। हम उस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस धरा को बाबा को अब खाली कराना है, जैसा कि उसका ऑर्डिनेंस निकल जाएगा मेरी देवकुल की महान आत्माओं के लिए, इस वसुंधरा को खाली करो, इसे पवित्र बनाकर यहाँ देवताओं का वास होगा। तो हम सभी अभी से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें सारे संसार को सकास देने की, आत्मिक दृष्टि बनाने की, और इसके लिए अपने को प्योरिटी से और सर्व खजानों से, योग से भरना होगा। जिसके पास शक्तियां बहुत होंगी वही दूसरों को दे सकेंगे और वाइब्रेशंस देकर सभी के दुख हर सकेंगे, सभी को मुक्तिधाम पहुंचवा सकेंगे। जो पीड़ित होंगे बहुत सारे लोग, उन्हें बहुत ज़्यादा बल दे सकेंगे। इसके लिए आज सारा दिन आत्मिक दृष्टि का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे और ये एक सिंपल सी प्रैक्टिस, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, मुझसे चारों ओर पवित्र किरणें फैल रही हैं
और जिसको भी आत्मा देखेंगे ये पवित्र किरणें उनको जाती रहेंगी और बीच बीच में परम धाम से पवित्रता के सागर की पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। कभी हम उनके पास चलेंगे परम धाम में और कभी परम धाम से उनके पवित्र वाइब्रेशंस को ग्रहण करेंगे। ये अभ्यास आज सारा दिन बहुत तत्परता से करेंगे और लक्ष्य बना लें हमें अपने योग को सकास देने की सेवा में ही टर्न कर देना है। ओम शांति।